नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका, प्रियंका टेक रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं घर पे पानी पूरी, एकदम करंची और कड़क रहेगी मार्केट की जैसी। सब लोग बोलते हैं कि हमारी नरम हो जाती है बाद में सीखने के बाद, कि मैं उसको उसके लिए ट्रिक बताऊंगी, उससे आप लोग की पानी पूरी नरम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने ले लिया 1 कप सूजी और 1 कप मैदा, आधी कप आटा डाला है और 1 चम्मच हमने डाला है इसमें बेकिंग पाउडर। हमारा सोडा नहीं रहेगा, पाउडर रहेगा। तो हमारी ट्रिक है इसमें कि हम नमक नहीं डालेंगे, अगर नमक डालेंगे तो हमारी पूरी जो है वो नरम हो जाती है। तो हमारा यही ट्रिक था, आप नमक ना डालें। इसको हम हल्का हाथों से गूंथेंगे पानी डाल डाल के। थोड़ा हमारा लूज रहेगा आटा, क्योंकि इसमें सूजी डाला है, जब हमारी सूजी फूलेगी तो वो टाइट हो जाएगा। आटा को हम ढक के रख दिए हैं 10 मिनट के लिए। तब तक हमने आलू को भी छील के रख लिया है, उसको फोड़ लेंगे छोला बनाने के लिए। और हमारा 10 मिनट हो गया है तो हम आटे को मसल लेंगे थोड़ा। देखिए हमारे आटे पूड़ी बनाने जैसे आटा हो गया। इसको हम छोटे छोटे लोई काटेंगे। आप चाहें तो बड़ा बनाकर, आप बड़ी रोटी बनाकर आप उसको कोई ढक्कन या छोटी छोटी गिलास या किसी ऐसे नुकीले चीज़ों से काट सकते हैं। देखिए हमारी पूरी बन के तैयार है। अब इसको ऐसे तेल को अच्छे से हाई फ्लेम गर्म रहेगा तभी डालेंगे, और ऐसे कलछी से हम चलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा उसके। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, इससे हमारी सारी पूरी फूलेंगी। एक दो नहीं फूलेगी तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारी सारी पूरी फूल रही है, एक भी बिना फूली नहीं है। और हमारी पूरी फूल गई है तो हम गैस को फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे और उसको पलट के सेकेंगे। तो हमारी पूरी फूल गई है और सीक भी गई है। तो चलिए हम छोले की तैयारी कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई का तेल कम कर लिया है, उसी में डालेंगे जीरा 1 चम्मच, थोड़ा सा हमने अचार का मसाला डाला है, उससे खुशबू अच्छी आती है। और फिर हमने काटी हुई लहसुन डाली है और फिर इसी के साथ मिर्ची भी डालेंगे। इसको थोड़ा सा भुनेंगे, उसके बाद टमाटर डाल दिए हैं, टमाटर भी काटा था हमने। इसको अच्छे से चलाएंगे। टमाटर भुन चुका है, इसमें हम मसाला डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी डाला है हमने और इसमें हम आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है, 1 चम्मच मसाला डाला है गरम मसाला, और से 1.5 चम्मच नमक डाला है। आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। हमारा टमाटर भुन गया, अब इसमें हम पानी डालेंगे। छोला हमारा थोड़ा गीला रहेगा इसलिए हम थोड़ा पानी ज़्यादा डालेंगे। इसको ढक के पकाएंगे तब तक इसमें उबाल आ जाएगा। हम पानी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने धनिया और थोड़ी सी पुदीना लिया है, लहसुन, सारी चीज़ों को पीस लेंगे। देखिए हमारा मसाला में उबाल आ गया, तो हम आलू डाल देंगे। इसको अच्छे से चलाएंगे और चलाने के बाद इसको पकने के लिए, ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम पानी की तैयारी कर लेंगे। हमने ये इमली लिया है, इसको हमने भिगो के रखा था, और ये पीस लिया है मैंने धनिया पुदीना और लहसुन मिर्ची। आपको जितना बनाना है उसी हिसाब से पानी डालें इसमें। और इसी के साथ हम डालेंगे ये इमली का पानी खट्टा होने के लिए। पानी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें।
या जितना आपको गाढ़ा रखना है या पतला रखना है। अब इसमें हम डालेंगे नमक, एक चम्मच हमने काला नमक डाला है और आधी चम्मच हमने नॉर्मल नमक डाला है जो हम सब्जी में या मतलब खाने के लिए डेली यूज करते हैं। और इसमें चाहें तो आप जीरा को भून के जीरा काली मिर्च डाल सकते हैं। मैंने डाला है मैं इसमें आधी चम्मच हींग, आधी चम्मच से कम ही है। और देखिए मेरा मसाला भी तैयार हो गया है जो हम पानी पूरी के अंदर भरेंगे। मैंने ले लिया है तेल थोड़ा कड़छी में, इसमें हम जीरा डालेंगे और इसका हम पानी में तड़का लगाएंगे। इससे हमारा पानी का फ्लेवर थोड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। हमने तड़का लगा दिया है। तो दोस्तों हमारी पानी पूरी तैयार है, बहुत ही अच्छी बहुत ही करारी बनी है, आपको फोड़ के दिखाऊंगी मैं। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी बनी है। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।